भाई चीनी सीमा पे डीपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल तबीजी लेकर आए हैं ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम प्री नर्सरी टू क्लास 12th 50% डिस्काउंट ऑन गर्ल्स फीस ऑनलाइन एडमिशन ओपन विजिट dpsajmer.in। जी कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन के अंदर आम जनता इतना परेशान रही, उनके आजीविका का कोई साधन नहीं था, व्यापारियों की जो व्यापार थे वो ठप पड़ गए। इसके बाद जो वर्तमान के अंदर जो बिल बिजली के आए हैं वो बिल इतने ज़्यादा बड़ा चढ़ा के भेजे गए हैं कि 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार बिल आ रहे हैं। आम जनता के लिए इस बिल को देना इतना आसान नहीं है। इसी को लेके आज हमने टाटा पावर के अंदर अधिकारियों के साथ वार्ता करी, उनको ज्ञापन दिया। हमारे मुद्दे ये थे कि एक तो ये जो बिल है इनको माफ़ किया जाए, दूसरा हमारा मुद्दा ये था कि जो उन्होंने 5% का डिस्काउंट की बात कही थी कि जो बिल जमा करा देगा उसको दिया जाएगा, वो भी स्पष्ट रूप से बिलों के अंदर दिया या नहीं दिया आम जनता को पता नहीं था। तो हमने उनसे मांग करी कि आप बिल के साथ में एक अलग पत्रक लगाएं जिसके अंदर पूरा विस्तार से जानकारी एक बिल की पता चले और किसी का कनेक्शन ना काटा जाए, अधिक बिल आने के कारण उसको टुकड़ों के अंदर उस बिल को लिया जाए। तो अधिकारियों ने इस बारे में हमको आश्वासन दिया है कि जो बिल है वो के अंदर एक अलग से पत्रक लगा के उसका डिस्काउंट का पूरा विवरण वगैरह दे दिया जाएगा आने वाले बिलों के अंदर। और दूसरा, साथ के अंदर जो भी व्यक्ति अपना बिल है वो किस्तों के अंदर भी जमा कराने का प्रावधान वो लोग करने का विचार करेंगे। इसके अंदर समस्त वार्ड 58 के क्षेत्रवासी पार्षद श्री प्रकाश जी और कई क्षेत्रवासी जो थे उन्होंने अपनी उपस्थिति दी, सबने अपनी समस्या रखी और हम लोग संतुष्ट तो नहीं हुए क्योंकि वो हमको संतुष्ट नहीं कर पाए। ज़्यादातर चीज़ें जो थी उन्होंने सरकार के ऊपर डाल दी कि ये सरकार का निर्णय हमारा निर्णय नहीं है। तो ये हमारा प्रथम चरण था जिसके अंदर हम लोगों ने आज उनको पहली बार ज्ञापन दिया है। अगले चरण के अंदर जो है वो आर पार की लड़ाई भी अगर लड़नी पड़ी इन बिलों के लिए तो भी हम लोग इसके पीछे नहीं हटेंगे और आर पार की लड़ाई भी सरकार के साथ लड़नी पड़ेगी तो हम लोग लड़ेंगे। मीटिंग वगैरह भी हुई आपकी? हम लोगों ने जो अधिकारी है उन सब के साथ बैठ के मीटिंग करी। मीटिंग के अंदर जितने भी हम लोगों की समस्याएं थी उनको उन्होंने शांतिपूर्वक समझा सुना। लेकिन यही है जैसे मैंने आपको बताया पूर्व के अंदर भी कि जो आश्वासन था वो भी ढंग से नहीं दे पाए क्योंकि जो बिल माफ़ी है या जो डिस्काउंट की बातें वो उन्होंने सरकार के ऊपर डाल दी। नाम? मेरा नाम ब्रजेश माथुर, वार्ड 58 से। टाटा पावर पे सभी वार्डवासियों के साथ मैं इसलिए एकत्रित हुआ हूँ कि इन्होंने जो बिल दिए हैं वो बिल्कुल न्याय संगत नहीं है, उनका कोई औचित्य नहीं है। इन्होंने आज की तारीख में हमें एक साथ 4 महीने का बिल पकड़ा दिया। अब इनसे पूछिएगा 4 महीने का बिल आदमी कैसे देगा। अब इनका कहना कि साहब अब लॉकडाउन था जब हमने बोला ऑनलाइन भरिए, मैं ये कहना चाहता हूँ क्या झोपड़ी वाले के पास लाइट की ज़रूरत नहीं, क्या वो लाइट नहीं जलाता है, क्या ऑनलाइन की सुविधा सबके पास है क्या? आप उस ज़माने के अंदर आदमी अगर सब्जी लेने भी बाहर निकलता था तो पुलिस वाले उसे पूछते थे भाई कहाँ जा रहा है, तो उनसे पूछिए कि आदमी बिल जमा ने कराने कहाँ आएगा, ये ऑनलाइन की सुविधा सबके पास है क्या, कैसे जमा कराएगा? ई मित्र बंद थे और थे, इन्होंने या तो इनको उस टाइम को भी रीडिंग लेनी चाहिए क्योंकि अति आवश्यक सेवाओं के अंदर बिजली आती है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई बंद नहीं था, जो अति आवश्यक सेवा थी वो सब चालू थी। इनको अपनी रीडिंग लेनी चाहिए और जिस हिसाब से बिल भेज रहे थे उस हिसाब से बिल भेजना चाहिए। इन्होंने क्या करा, 4 महीने का एक साथ बिल ले लिया। 4 महीने का बिल एक साथ लेने के इनकी जो वसूली की अंकतालिका है जिस हिसाब से वसूल करते हैं यूनिट, भाई प्रथम यूनिट में इतने इतने से बाद इतने, वो इनकी अंकतालिका तो ऊपर बढ़ गई, पैसे इनको ज़्यादा ले वसूल कर रहे हैं। उसके साथ के साथ उसी हिसाब से पेनल्टी ले रहे हैं, उसी हिसाब से इनके जो अदर चार्जेज हैं वो ले रहे हैं, तो बिल तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब इनको ये तो गया कहीं पे भी हम लोगों ने भी पिछले टाइम जो हुआ वो तो छूट तो देना कहीं गया, इन्होंने तो अपने बिल को भी दुगना तिगना कर लिया। हमारी ये मांग है इस बिल पे ये ध्यान दें और ये जो 10% छूट देने वाले थे भी हम 10% छूट देंगे। एक भी बिल में मुझे बता दें इन्होंने बिल का समय बिल में 10% छूट कहाँ एडजस्ट करी है मुझे बता दें। इनका अभी कहना कि अगला बिल भरो फिर हम दे देंगे, क्यों भाई? जो पैसे ने पब्लिक ने पैसे दे दिए उसकी छूट आप देना नहीं चाहते हो, जो है उसके अंदर और अभी ये कि अगला बिल भर दो। 4-4 महीने का जो मतलब मजदूर आदमी है या कोई भी बंधु ऐसा है वो पैसे कहाँ से देगा, कैसे भरेगा? आज के युग के अंदर आदमी जो स्थिति चल रही है दो टाइम के भोजन के लिए वो जुगाड़ कर रहा है कि हम कैसे कर लें, और इनको 4-4 महीने का बिल एक साथ दे दो, कहाँ से दे दें और कैसे दे दें? और इनकी जो है ये इनकी हथकर्मी का देखिए आप कि ये अपने ग्राफ के हिसाब से चलते हैं, इनका जो ग्राफ है भाई इतने यूनिट से इतने उसमें अगर जो है तो ऊपर वाली प्रणाली के हिसाब से पैसे वसूल कर रहे हैं, ये सरासर गलत है, इसका विरोध करने आए हैं। ये मानेंगे
तो अच्छी बात है, अन्यथा अगला कदम हमारे पास बिल्कुल जन आंदोलन का, कलेक्टर साहब से कहेंगे और हम मुख्यमंत्री को लेटर देंगे और ये स्थिति रही तो आर पार की लड़ाई निश्चित होनी है। हम कोई भी हालत में बिल जमा नहीं कराएंगे, अगर इनमें ताकत होवे तो ये हमारी लाइट काट के बतावे, ये मेरा इनसे चैलेंज है। प्रकाश पार्षद मेरा